हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं प्रांत सर फिर से आपके साथ। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 के प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के पार्ट। क्लास 10 के है ये, तो आज हम लोग इसमें देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा किरण आलेख बनाने के नियम। अवतल दर्पण द्वारा किरण आलेख बनाने के नियम में तीन नियम है। पहला नियम है दर्पण के मुख अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। मतलब इसमें बोल रहा है कि जो अवतल दर्पण है, पहले अवतल दर्पण बना लेते हैं, तो अवतल दर्पण को इसको कलर करेंगे पीछे वाला पार्ट को। ये अवतल दर्पण है जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, तो इसमें से ये मुख्य अक्ष है। बीच में बोले थे कि इसका फोकस होता है और यहाँ पे वक्रता केंद्र सी होता है। तो दर्पण के ये वाला हो गया मुख्य अक्ष और ये वाला है पी, जिसको ध्रुव कहा गया था, के पश्चात फोकस। अगर कोई परावर्तक सतह इसमें से इस मुख अक्ष के समानांतर अगर आती है तो ये कहां से गुजरेगी, फोकस से होकर परावर्तित हो जाएगी। तो ये था पहला नियम अवतल दर्पण का कि कोई भी प्रतिबिंब बनाना हो तब हम उससे पहला नियम बनाएंगे कि मुख अक्ष के समानांतर अगर प्रकाश किरण जाती है तो वह परावर्तित होकर मुख्य फोकस एफ से होकर गुजरती है। सेकेंड नियम है दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण के पश्चात मुख अक्ष से गुजरेगी। मतलब फिर से एक दर्पण बनाएंगे अवतल दर्पण, और इसमें से जो दूसरा नियम बोलता है कि यहाँ से ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया एफ वाला पॉइंट मुख्य फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र सी। बोल रहा है कि मुख्य फोकस, इस फोकस से गुजरने वाली, अब अगर हम इस फोकस से गुजरते हैं तो इस फोकस से हम लोग प्रकाश किरण गुजरे तो प्रकाश परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष से गुजरेगी, मुख अक्ष के समानांतर से गुजर जाती है, मुख अक्ष से गुजरेगी। तो ये मुख अक्ष है तो समानांतर होके ऐसे निकल जाएगी, तो ये ऐसे गई और ऐसे आई, ऊपर वाला इस प्रकार से आया था, नीचे फिर भी गया था। तो इसका एरो का चिन्ह पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला गया है मुख्य फोकस से और गुजर रही है मुख अक्ष के समानांतर गुजर जाती है। तीसरा नियम जो बोलता है अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र सी से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा से वापस लौट आती है। तो अब इसमें बोल रहा है कि अवतल दर्पण है ये, इसमें बोला गया कि ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया एफ और ये हो गया सी। इसके पश्चात वक्रता केंद्र सी से गुजरने वाली, अगर हम सी से प्रकाश किरण को गुजारते हैं तो ये प्रकाश किरण गुजरा सी से, तो परावर्तन होने के पश्चात ये इसी दिशा में क्या होती है, वापस लौट आती है। तो ये तीन नियम था। पहला नियम था मुख अक्ष के समानांतर जाती है तो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। सेकेंड बोला कि मुख्य फोकस से होकर जाती है तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर गुजर जाती है। तीसरा था वक्रता केंद्र से गुजरती है तो उसी दिशा में वापस ले जाती है। अब हम लोग प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे कि कैसे अवतल दर्पण से अलग अलग जगह में वस्तु को रख के हम उसका प्रतिबिंब बनाते हैं। अब हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की विभिन्न स्थिति। इसमें है पहला, जब वस्तु अनंत पर हो, तो यहाँ पे जब वस्तु अनंत पे हो तो अवतल दर्पण बनाते हैं। अवतल दर्पण बन गया, इसके पीछे रेड कर देते हैं ताकि वस्तु प्रकाश किरण पार न हो जाए। अब हम यहाँ मुख्य अक्ष बनाएंगे, यहाँ पे हो गया एफ और यहाँ पे हो गया सी, इसकी दूरी को सेम रखते हुए यहाँ पे है। अब ये अनंत पर है तो अनंत पे वस्तु बना रहे हैं, तो यहाँ से एक प्रकाश किरण को लाएंगे। ये प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष फोकस से होकर गुजरेगी, ये इस प्रकार से गुजरे। सेकेंड, अब इसको क्या करेंगे, नीचे से भी एक प्रकाश किरण को गुजारते हैं इस प्रकार से, जो मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगी। दो प्रतिबिंब, ये दोनों जिस बिंदु पर बना प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है, और ये जो वस्तु, इस पे तीन स्थिति देखने को मिल रहा है कि पहले कि वस्तु बंद प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस मतलब एफ पर बन रहा है। तीसरा चीज है कि प्रतिबिंब बन कितना रहा, वस्तु का आकार है इतना और ये यहाँ पे बन रहा है कितना छोटा, तो प्रतिबिंब का जो साइज है, आकार जो है, प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा बन रहा है। छोटा मतलब बिल्कुल छोटा बन रहा है, अत्यधिक छोटा कर देते हैं,
अत्यधिक छोटा बन रहा है, अत्यधिक छोटा बन रहा है। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे जो वस्तु का जो होगा, ये वस्तु बनेगा और प्रतिबिंब जो बन रहा है वस्तु का, वो प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। अवतल दर्पण है तो वास्तविक वास्तविक बनेगा और उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। वस्तु आकार इस प्रकार से, अगर ये ए और बी है तो ये अत्यधिक छोटा है, तो यहाँ पे लेबलिंग करना मुश्किल है, ए डैश और बी डैश करके बनेगा, तो प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक और उल्टा बनता है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, जब वस्तु वक्रता के अंदर सी पे हो तो सी से पड़े हो, तो अभी हम बनाते हैं अवतल दर्पण और इसमें से इसका कलरिंग करेंगे। यहाँ से गुजारते हैं एक फोकस मुख्य अक्ष को, यह है एफ वक्रता, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र। वस्तु को रखते हैं सी से परे, मतलब सी से परे यहाँ पे है वस्तु। अब हम इसको यहाँ से एक प्रकाश किरण गुजारेंगे जो मुख्य फोकस से होकर निकलता है, तो ये कुछ इस प्रकार से निकल गया। सेकेंड वाला को करेंगे क्या, कि सेकेंड वाला को करेंगे वक्रता केंद्र से गुजारेंगे, तो ये वक्रता केंद्र से गुजारते हैं इसको, तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा यहाँ पे वक्रता केंद्र से गुजारने पे, तो ये वक्रता केंद्र से गुजरेगा। तो वक्रता केंद्र से जब गुजरेगा तो इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं दर्पण का साइज को, ये पूरा, तो जिस रास्ते से गया है उसी रास्ते से क्या होगा, ये वापस लौट जाता है वक्रता केंद्र में, और ये दोनों जिस बिंदु को कट कर रहा है जो प्रतिबिंब यहाँ पे कट कर रहा है, प्रतिच्छेद करती नजर आती है, तो प्रतिबिंब क्या होगा यहीं पे बनता है। तो अगर हम इसका लेबलिंग कर दे ए बी, तो ये ए डैश और बी डैश हो जाएगा प्रतिबिंब। तो इसकी स्थिति क्या बनेगी, इसकी स्थिति प्रतिबिंब क्या कहाँ बन रहा है, सी और एफ के बीच में बन रहा है, प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बन रहा है। सेकेंड क्या होगा कि प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, वस्तु के आकार से छोटा बड़ा, इतना बड़ा वस्तु है तो प्रतिबिंब इतना बन रहा है, तो प्रतिबिंब वस्तु के आकार से, वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। तीसरा कैसा है, उल्टा और वास्तविक बनेगा ये प्रतिबिंब, वास्तविक और उल्टा बन रहा है। आई होप आपको प्रतिबिंब बनाने समझ गए होंगे, इसकी आगे और है तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।